अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है मसूर दाल दम बिरयानी। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप साबुत मसूर ली और इसे 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा। 2 कप हमने सैला चावल लिए, इसे भी 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा। दोनों की क्वांटिटी हमने यहाँ बराबर ली है, आप चाहें तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर बराबर क्वांटिटी में बनाते हैं तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पकाना। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे साबुत मसाले, तेज पत्ता, स्टार फूल, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च और जीरा, ये सारी चीजें डाल देंगे। मसाला जब थोड़ा सा तड़क जाए तो इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन थोड़ा सा भून जाए तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए डालेंगे। और गैस को अभी हमने बिल्कुल मंदा ही रखा है। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। गैस को हम यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। मसाले को हमने यहाँ 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भून लिया है और 1-2 बार इसमें पानी भी डाला। अब डालेंगे हम इसमें 1/2 कप दही। दही को अच्छी तरह डालकर भून लेते हैं। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मंदा कर देंगे और इसे मध्यम फ्लेम पर रखकर अच्छी तरह भूनने देंगे। तब तक भूनने देंगे जब तक कि ये दही का पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता। मसाले को हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं भूनने के लिए और यहाँ चावलों को पका लेते हैं। 1 कप में हमने यहाँ 3 से 4 गिलास पानी को रख दिया पकने के लिए और इसमें हम डालेंगे थोड़े से साबुत मसाले, लौंग, काली मिर्च, जीरा और दालचीनी, 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर डाल देंगे, 4 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1 टीस्पून ऑयल, 1/2 नींबू का रस डाल देंगे और पानी में अच्छी तरह उबाल आने देंगे। पानी में जब अच्छी तरह उबाल आने लगे तो डाल देंगे ये चावल। अच्छी तरह चावलों को हम चलाएंगे और चावल को हम यहाँ 70 से 80% पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट इसे हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब ये डाल देंगे हम इसमें मसूर की दाल। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मंदा करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया ये डाल देंगे, 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्च की तीखी लूंगी ये डाल देंगे, बीच से हमने इसे 2-2 कर लिए हैं। 1/2 कप के करीब डालेंगे हम इसमें फ्राई की हुई प्याज। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1/2 कप से थोड़ा सा कम डालेंगे इसमें पानी, अच्छी तरह से चला देंगे। गैस को करेंगे हम थोड़ा सा मंदा और इसे 5 से 7 मिनट पका लेते हैं ढककर। बीच में हम इसे 1-2 बार चला भी देंगे। चावल 70 से 80% पक गया है, ये देखिए चावल यहाँ ये इस तरह से टूटने लगा है। अब इसका पानी हम हटा देंगे। दाल को भी हमने यहाँ पर अच्छी तरह पका लिया है, अब इसे हम चलाएंगे। बीच में हमने इसे 1 बार चला भी दिया था। दाल को हमने अच्छी तरह चला लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि दाल में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। दाल यहाँ पर 60 से 70% ही गली है, ये देखिए, और इतनी ही गली दाल हमें चाहिए थी। तो अब हम इस पर लगाएंगे चावल की तेल, बाकी की ये दम में पक जाएगी। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को स्लाइस में काट लिया है, इसे हम इस तरह दाल के ऊपर रखेंगे। अब लगा देंगे इसके ऊपर चावल की तेल। चावल की तेल लगाने के बाद में इसमें डालेंगे फूड कलर। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून फूड कलर में 1/2 कप दूध मिलाया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये डाल देंगे बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया, ये डाल देंगे फ्राई की हुई प्याज, 1 बड़ा चम्मच भर कर डालेंगे हम इसमें प्योर घी। अब इसे हम ढक देंगे और गैस को कर देंगे हम फुल पर और फुल फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के बाद में गैस को करेंगे मद्दा और नीचे रख देंगे मोटे तले का तवा। मोटे तले का हमने तवा रख दिया है, गैस को कर दिया है बिल्कुल मद्दा। ये रख देंगे बिरयानी वाला गंज और इसे हम 20 से 25 मिनट अच्छी तरह दम लगा लेंगे। बिरयानी में दम अच्छी तरह लग गई है। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही मजेदार सी ये चटपटी मसूर दाल बिरयानी बनकर तैयार है। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।